राफेल फाइटर प्लेन सौदे का जिन एक बार भी बाहर आ गया है और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राफेल सौदे की जांच की मांग की है। दरअसल राफेल लड़ाकू प्लेन के सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में हैशटैग राफेल स्कैम का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि चोर की दाढ़ी, इससे पहले कांग्रेस ने इस सौदे की संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की मांग की। जी हां, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि फ्रांस में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ गए हैं, तो सरकार इस मामले की जाँच संयुक्त संसदीय कमेटी से क्यों नहीं करवाती है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर सरकार को जांच से किस बात का डर है। उन्होंने कहा है कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल फाइटर जेट्स का सौदा हुआ था। ये डील भारत सरकार और दसाल्ट एविएशन के बीच हुई थी। इस डील को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।